हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम इन मजमूर में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ न्यूड मेकअप लुक और साथ ही में वेवी हेयर स्टाइल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ हेयर स्टाइल भी शेयर करने वाली हूँ, इसलिए सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ कि हेयर वॉश जब मैंने किया था एक दिन पहले, तब ये सीरम लगाया था बायोलेज का। गीले सूखे बालों पर इसे लगाना है और फिर बालों को पूरी तरह सूखने दें। इससे बाल थोड़े से कम फ्रिजी होते हैं और बाल कंघी करने में भी बड़ी आसानी होती है। विंटर में फेस ड्राई हो जाता है और नॉर्मली फेस वॉश के बाद जो थोड़ी सी ड्राइनेस होती है, स्पेशली नोज के अराउंड, तो मैं मेकअप करने से पहले एक मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्स का सुपर लाइट जेल, जो बहुत ग्रीसी नहीं है, काफ़ी लाइट वेट मॉइस्चराइजर है। और साथ में मैंने लिप्स पर लगाया है ममाअर्थ का लिप बाम रोज़ वाला। ये लिप बाम मुझे काफ़ी पसंद है, बट प्राइस के हिसाब से इसकी क्वांटिटी बहुत कम आती है। मॉइस्चराइजर अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ फेस प्राइमर, यह है लैक्मे का। छोटी क्वांटिटी में आ जाता है, इसलिए मुझे ये पसंद है कि एक्सपायर होने से पहले यूज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। प्राइमर से मेकअप अच्छे से टिका होता है और अगर पोर्स थोड़े ज़्यादा बड़े हैं तो उसे भी ये कवर करने में हेल्प करता है, बट मेकअप इस पर अच्छे से ठहरता है, तो आप प्राइमर यूज़ करें। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन फिटमी का, ये है मेरे पास 128, तो मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ। ये भी एक बॉटल में भी आता है, ट्यूब में भी आता है, आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको बार बार नहीं चाहिए तो आप ट्यूब वाला यूज़ कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए आप एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी तरफ फिंगर से भी डैब करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट कंसीलर मैं लगा रही हूँ मेबेलिन का 25 मीडियम शेड। इसे भी आप अपने फिंगर से लगा सकते हैं या फिर इस तरह से जो कंसीलर ब्रश आता है, मेकअप ब्रश, उसका यूज कर सकते हैं। सेम मेकअप ब्रश तो ऑनलाइन है नहीं, जो अच्छे वाले हैं मैंने लिंक उनकी भी दी है। कॉम्पैक्ट में यूजुअली मेबेलिन का फिट मी 220 शेड यूज करती हूँ, पर आज मैं ममाअर्थ का ये आमंड ग्लो शेड यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पाउडर बहुत ज्यादा ना लग जाए और बाद में अच्छे से सेटल हो जाए, केकी ना लगे, तो आप इसे ब्रश से लगाएं। कंसीलर ब्रश यूज करके ही मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट अपने आंखों के नीचे भी लगा रही हूँ, बहुत ज्यादा ना लगाएं। नेक्स्ट आई शेडो यूज कर रही हूँ, तो आज मैं पिंक यूज नहीं कर रही हूँ, हल्का सा ब्राउन का शेड है, काफी लाइट सा ब्राउन एंड बेज, इस तरह के शेड्स आप लगा सकते हैं। ये शेड ब्राउन मतलब एकदम ब्राउन भी नहीं है, हल्का सा पिंकिश टिंट इसमें है। इसे मैं इस तरह से टुवर्ड्स द एंड अपनी आंखों पर लगा रही हूँ, पूरा अंदर तक नहीं लगा रही, बाहर बाहर की तरफ। नेक्स्ट आईब्रो पेंसिल, तो आईब्रो पेंसिल भी मैं बहुत पूरी तरह से अपने आईब्रो पे यूज नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज करती हूँ। यूजुअली मैं सिर्फ एंड्स पर लगाती हूँ, कभी कभी ही होता है कि सामने वाले हिस्से पर मैं लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ मस्कारा, तो आज मैं काजल या फिर आईलाइनर नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्टली मस्कारा, अच्छा वाला मस्कारा लगाए। आप चाहे तो फॉल्स लैशेस लगा सकते हैं, पर मैं अपनी नेचुरल लैशेस पर ही मस्कारा लगा रही हूँ। मेरी नेचुरल लैशेस मस्कारा लगाने के बाद इनफ नज़र आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अनलेस बहुत कुछ अलग हो तो फॉल्स की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फ्रोजन रास्पबेरी शेड मैं लगा रही हूँ, ये ब्लश है माय ग्लैम ब्रांड से, इसमें और भी शेड्स है। आपको पिंकिश चाहिए तो आप जूसी स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं या फिर कोई और ब्रांड का अगर आपके पास है। एंड इसके बाद हाइलाइटर थोड़ा सा चीक्स पर और आईब्रो के पीछे के साइड, आप चाहे तो आईब्रो के जस्ट नीचे जहां पर आई शेडो नहीं लगाया है वहां पर भी हाइलाइटर लगा सकते हैं, और आंखों के इनर कॉर्नर पर भी थोड़ा सा लगाएं ताकि आईज थोड़ी सी ब्राइट और फ्रेश लगे, थोड़ा सा लगाकर उसे ब्लेंड कर लें। ये लिपस्टिक है हेजल 19 शेड फ्रॉम फेसेस अल्टिम प्रो, बहुत ही अच्छी स्मूथ है और मुझे इसका कवरेज बहुत पसंद आया, काफी थोड़ी सी लगाने के बाद अच्छा कवरेज मिल जाता है लिप्स पर। आप चाहे तो एक लिप लाइनर यूज कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली इसे लगा रही हूँ, ये लगाने के लिए भी काफी आसान है। इसमें काफी सारे शेड्स अवेलेबल है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, बट मैंने बाकी के इस वाले में शेड ट्राई नहीं किए हैं। एंड फाइनली मेकअप सेटिंग स्प्रे, इससे मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है और जो पाउडर से एकदम सफ़ेद सफ़ेद या वाइटिश चौकी लुक आता है वो नहीं आता है, आपके फेस पर मेकअप काफ़ी अच्छे से सेटल होके ड्यूई लगता है। नॉर्मली मैं अपने बाल खुले रखती हूँ या फिर कभी कभार थोड़ा सा स्ट्रेटनर यूज़ कर लेती हूँ,
या फिर जो नेचुरल वेव्स हैं उन्हें ही रहने देती हूँ। पर आज मैं थोड़े से बड़े वाले वेव्स करूँगी मेरा कर्लर यूज़ करके, बट उसके पहले हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। अगर मैं स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ या फिर ड्रायर तो मैं स्प्रे को ज़रूर यूज़ करती हूँ। मैंने इससे पहले और भी एक दो ब्रांड के यूज़ किए हैं, ये ट्रेसेमे का है। मेरे पास फिलहाल एक ही कर्लर है ये, और इसे मैं पहले एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ। इसकी भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इस पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अपने राइट साइड में यूज़ कर रहे हैं तो राइट पर रखना पड़ता है, लेफ्ट में यूज़ करें तो लेफ्ट पर, और इस तरह से कर्ल करके आप, इसमें सेटिंग्स होती है, इसकी डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी, बट अच्छा है ये कर्लर। एक डिसएडवांटेज है कि आपको बहुत पतले पतले सेक्शंस लेने पड़ेंगे, मोटे सेक्शन पे काम इतने अच्छे से नहीं करता है। छोटे छोटे सेक्शंस लेकर आप वेव्स बना सकते हैं इस तरह से, और इमीडिएटली आप जैसे कर्ल करेंगे अगर आप कोई हेयर सेटिंग स्प्रे लगा देते हैं तो आपके कर्ल्स या वेव्स ज़्यादा अच्छे से बहुत देर तक रहेंगे। बालों को कुछ सेक्शंस में डिवाइड करें और उसके बाद उनमें से थोड़ा थोड़ा आप सेक्शन लेकर काम कर सकते हैं। इस तरह से आप स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेटनिंग चाहिए, अच्छा लुक चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मचमोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।